नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा, इस वक्त छिंदवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 पत्रकारों की मौत को लेकर आर्थिक सहायता और समुचित इलाज की मांग रखी गई। सीएम और राज्यपाल के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते 5 पत्रकारों की कार्य के दौरान कोरोना एवं अन्य बीमारी से मृत्यु हो गई। उन्हें समय पर समुचित उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण यह दुखद घटनाएं घट गई, जिसके चलते जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के द्वारा आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया गया, जिसमें पत्रकारों को समुचित इलाज की व्यवस्था एवं मृतक पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता और समुचित इलाज की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय जिले की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधु मौजूद रहे। सर, एक निवेदन इसमें हो रही है था कि पत्रकारों को ही कम से कम 5 बेड उनके परिवार और उनके लिए आरक्षित किए ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना के चलते हमारे बहुत से पत्रकार साथी असमय क्या कहते मौत के गाल में चले गए हैं, और जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा है, मगर अस्पताल के अंदर की जो वार्डों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने अपना जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया, और साथ ही हमने पत्रकार साथियों के विभिन्न संगठनों और इंडिविजुअल पत्रकार साथियों ने मिलकर आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है जे मुख्यमंत्री के नाम पे और महामहिम राज्यपाल के नाम पर, जिसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण चाहा है, जिसमें सबसे पहले तो पत्रकार और उनके परिवार के साथियों को उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो पत्रकार साथी हमारे हमें असमय चले गए हैं हमारे बीच से, उनके परिवार को आर्थिक रूप से तत्काल मदद की जाए, बेड की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर हमने आज जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया है, और साथ ही इन सब बिंदुओं को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट।